नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ही यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन जोन। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन फिल कर लोगे और आपको जो है रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो मिल जाएगा उसके बाद आपको लॉगिन कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। एक छोटी सी न्यूज़ है, आप ही के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपको JNU की कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो लोग चैनल पे नए हैं, ठीक है। और जो लोग चैनल पे पुराने हैं उन लोगों के लिए भी मेरे पास एक अपडेट है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जिनके वीडियोज़ में नहीं बना पाता, तो उनकी जो न्यूज़ है मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में जो है डाल देता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर भी जो है जाके चेक करते रहिएगा, वहाँ पर भी फॉलो करते रहिएगा। जैसे DU यूनिवर्सिटी की जो न्यूज़ होती है तो मैं जो है अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देता हूं, और JNU की तो मैं स्पेशली वीडियो बनाता ही हूं। अगर DU यूनिवर्सिटी की जो होती है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि कम्युनिटी पोस्ट होती कहां पे है, ये आप देख सकते हो हमारा चैनल है। तो आप चैनल पर कुछ ये इस तरह से ऑप्शन देख रहे हो, ऊपर होम लिखा हुआ है, वीडियोज़ प्ले लिस्ट, कम्युनिटी चैनल्स, अबाउट। तो ये जो कम्युनिटी वाला ऑप्शन है इसके अंदर मैंने अभी मॉर्निंग में ही जो है न्यूज़ डाली है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आके आप ज़रूर से फॉलो करें ताकि आपको और भी न्यूज़ मिल सके। तो चलिए आज की जो मेन वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम जो है JNU की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं admission.in पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी JNU का नोटिफिकेशन आएगा, JNU की डेट आएगी तो यहाँ पर नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। आप साइड को जो चेक करते रहिए, ठीक है, आपको जो JNU की साइड है उसको चेक करते रहना है, कभी भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब ये रजिस्ट्रेशन लिंक वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो है आप कहाँ से लॉगिन करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इधर साइड के अंदर दिया हुआ है। अभी आप इसके अंदर फिल करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, एक एरर आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये फिल नहीं होगा। लॉगिन में आपको जो है एप्लीकेशन नंबर देना होता है और उसके बाद आपको पासवर्ड। JNU में आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन जो इसमें करना होता है, उसके बाद ही आप जो है इसके अंदर सारी चीज़ें फिल कर पाते हो। तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा और एक जो है पासवर्ड दिया जाएगा। पासवर्ड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो इसके अंदर, और उसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन होना है जब आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाए ना उसके बाद। तो ये जो क्या है प्रक्रिया मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो हमारे पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है उनका यूज़ क्या होता है। तो आप लोगों को इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन लोगों को पता चल सके जिन्हें इस बात का मालूम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो एप्लीकेशन और पासवर्ड होता है उसको आपको सिक्योर रखना है, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आता है तो वही आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिल करने के बाद ही आपका जो रिजल्ट होता है वो आप देख पाते हो। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, जब भी ये एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो था आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिएगा इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है एक नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, फेस कैम वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं आपको सारी जानकारी JNU से रिलेटेड दूंगा, ठीक है। काफ़ी लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो भी मैं आपको यहाँ पे दूर करने वाला हूँ जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर। जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि सर पेपर हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, कितने फील्ड, हालांकि मैंने इस पर वीडियो बना दिया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो मैं सारी चीज़ों को एक साथ कवर करके एक ही वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ज़रूर से आप वो वीडियो देख लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।